हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस कुकिंग एपिसोड में मैं लेके आई हूँ बहुत ही सिंपल खाना, जो कि आपको इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको आलू चाहिए, नमक और पेपर चाहिए। और इससे आप इसको ब्रेकफास्ट के लिए भी बना सकते हैं, आप लंच के लिए भी बना सकते हैं और टिफ़िन के लिए भी पैक कर सकते हैं। तो इस रेसिपी का नाम है पेपर आलू रेसिपी, जो कि मेरी मम्मा की रेसिपी है। तो ये मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो चलिए मिलके बनाते हैं पेपर आलू की सब्ज़ी। एंड इससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए फॉर मोर अपडेट्स। सबसे पहले हम कढ़ाई ले लेंगे और आलू को मैंने ऑलरेडी छोटा छोटा मोटा मोटा थोड़ा काटा हुआ है, बारीक बारीक काटा हुआ है मोटा। तो पहले कढ़ाई में हम थोड़ा सा कढ़ाई को गर्म होने देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा हम तेल डालेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसमें तेल डाल लिया है, थोड़े से फैला दिया है। और अब हम इसमें वही वाले आलू जो मैंने काट के भिगो के रखे हैं, धो के अच्छे से मैं इसमें डाल दूंगी। तो आलू को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें अब हम हरी मिर्ची डाल देंगे और फिर हम आलू को मिक्स करेंगे। तो मैंने फ्रोज़न मटर लिए हैं, आप चाहे तो देसी मटर भी यूज़ कर सकते हैं, छिले हुए मटर। तो ये मैं इसमें डाल दूंगी और इसके बाद थोड़ा सा नमक डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें पेपर डाल देंगे, काली मिर्च, और थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि इसका मेन इंग्रेडिएंट काली मिर्च है। और अच्छे से मिक्स करेंगे प्रॉपरली, ताकि काली मिर्च जो है ना आलू के साथ पूरा मिक्स हो जाए। आप यहाँ पे नींबू का रस भी ऊपर से छिड़क सकते हैं। मैंने थोड़ा सा पानी इसमें छिड़का हुआ है, ये आपको करना ज़रूरी है। और अब ये हमारे तैयार है बिल्कुल पेपर आलू, जो बिल्कुल खाने में मज़ेदार होंगे। तो कैसा लगा मेरा ये वाला रेसिपी, ज़रूर